वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखेंगे लद्दाख। एक काफ़ी फेमस है और फेमस चाइना को लेकर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर हम देखें तो लद्दाख में आए दिन कुछ ना कुछ चाइना कर ही रहा होता है। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखते हैं वीडियो को और रिएक्ट करते हैं और भाई देखते हैं कि चाइना ने जो है वो अब लद्दाख में क्या हरकत की है और क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलते हैं वीडियो को देख लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी रिएक्शन हमारे चैनल पर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ देर पहले ही एक बहुत बड़ी और बहुत ही गंभीर खबर निकलकर सामने आई है। खबर कुछ ऐसी है कि चीन ने भारत में लद्दाख के करीब एक बड़े हमले का प्रयास किया था। हालांकि गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ही भारत लगातार चौकन्ना है और उसी का परिणाम ये हुआ कि हमने इस हमले को फिलहाल के लिए टाल दिया है। और आपको बता दूं कि ये खबर पूरी तरीके से ऑफिशियल है। अब से कुछ मिनटों पहले ही भारत के केंद्रीय मंत्री ने आकर इस पर कंफर्मेशन दे दी है कि जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है और भारत ने हमले को टाल दिया है। और मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने जा रहा हूँ कि हमला कैसे किया गया, कहाँ पर हुआ और फिर भारत ने इसे कैसे टाला। और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आप सभी से कि प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही छोटी छोटी डिटेल भी मैं आपको इसमें दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि चीन ने भारत के लद्दाख के करीब पड़ने वाले जो पावर ग्रिड थे, जिनसे की बिजली की सप्लाई होती थी, उन पर एक बड़ा साइबर हमला बोला है। और इस हमले में चीन क्या करना चाहता था? सबसे पहले जो बिजली सप्लाई है उसे ठप करने की कोशिश थी, उसमें व्यवधान डालने की कोशिश थी। इतना ही नहीं, जो साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ये भी बताया है कि हो सकता है कि चीन ने इस हमले के दौरान कुछ खुफिया जानकारी भी जुटाई हो, जो वहां पर कैमरे लगे हैं उनके जरिए इन ग्रिड से ज्यादा जासूसी भी की गई हो, इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। और फिलहाल जो भारत की खुफिया एजेंसियां हैं, साइबर एजेंसियां हैं, सब इस बात को कैलकुलेट करने में लगी हुई है कि भारत को कितना नुकसान हुआ है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से चीन भारत के पावर ग्रिड में घुसने में कामयाब रहा, क्योंकि भारत ने अपने डिफेंस पहले से ही काफी मजबूत करके रखे हुए थे। वहीं इस साइबर हमले पर अब से 3-4 घंटे तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, लेकिन अब भारत के जो पावर मिनिस्टर हैं आरके सिंह जी, स्क्रीन पर आप देखिए, उन्होंने मीडिया में आकर ये बयान दिया है कि जी बिल्कुल आज चीन ने भारत के जो पावर ग्रिड सिस्टम थे उन्हें डाउन करने की कोशिश की थी, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है देश के अलग अलग हिस्सों में, उसको यहां पर डिस्टर्ब किया जा सके। वहीं आगे उन्होंने ये बताया कि चीन का ये अटेम्प्ट पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहा है, क्योंकि भारत पहले से ही अपने पावर ग्रिड का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे एक्टिव करके स्ट्रेंथ कर चुका था। ऐसे में चीन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी पैदा करना चाह रहा था उसमें वो बुरी तरीके से विफल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि अब जांच करके क्या फायदा, चीन ने तो घुसपैठ कर ली। तो देखिए, जांच का बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि हम ये पता लगाएंगे कि चीन हमारे पावर ग्रिड में कैसे घुसपैठ कर पाया, उस लूप होल को ढूंढेंगे और पता लगाएंगे कि चीन भारत के पावर ग्रिड सिस्टम में कैसे घुसा, फिर उस रास्ते को लद्दाख के जितने भी पावर ग्रिड हैं उनमें तो बंद कर ही देंगे हम, लेकिन जो भारत के दूसरे सिस्टम हैं, जैसे कि दिल्ली का पावर ग्रिड सिस्टम हो गया, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, जो महत्वपूर्ण शहर हैं, इलाके हैं, वहां के पावर ग्रिड सिस्टम में भी इन रास्तों को बंद किया जाएगा, जिससे कि चीन भारत के पावर ग्रिड सिस्टम में घुसकर हमारे देश में बिजली का संकट ना खड़ा कर पाए। क्या आपको बता दूं कि बिजली बंद तो मतलब देश वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है। और आज के युद्ध नीति में ये पहला रूल है कि सबसे पहले अपने दुश्मन देश की बिजली को ठप कर दो, जिससे कि ओवरऑल आपका दुश्मन देश भी वहीं का वहीं रुक जाए, ठप पड़ जाए, फिर उस पर वार करके उसे धराशायी कर पाना काफी ज्यादा आसान होता है। यही चीन की पूरी रणनीति है और भारत इसे विफल करने में पूरी तरीके से कामयाब हो रहा है और आगे भी होगा। हालांकि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ये हमारा आज का वीडियो जिसमें चाइना जो है वो लद्दाख में फिर से वही हरकतें करने की कोशिश कर रहा है जो इससे पहले किया। ये कोई नई बात तो नहीं है कि हम ये कहें कि चाइना ने पहली बार कर दिया। भाई चाइना आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। यहाँ पर तो
आए दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। चाइना, बेसिकली चाइना की तो मुझे खुद भी समझ नहीं आती है। कभी वो अपने वहाँ पे मिनिस्टर भेज देते हैं इंडिया में बातचीत करने के लिए, और फिर कभी जो है वो इंडिया की जो है वो पीठ पीछे जो है वो छुरा घूमने की कोशिश की जाती है। और इसीलिए शायद यही रीज़न है कि चाइना को कभी भी कहते हैं कि ये कभी भी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, ये एक मुनाफिक है, क्योंकि ये किसी को भी कभी भी धोखा दे सकता है। अब देखो ना, अपने मिनिस्टर भेजते हैं वहाँ पर, अमन प्यार मोहब्बत वाली चिंग चौंग पांग होती है, फिर उसके बाद अचानक से बात पता चलती है भाई लद्दाख का जो है वो ये मामला हो गया है, वहाँ पर दोबारा से घिसपिट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये बात याद आ गई कि जैसे अटल वाजपेयी सर जो हैं वो आए थे पाकिस्तान में लाहौर में, तो उसके साथ ही जो है वो पीछे से जो है वो ये जो कारगिल वाला सिनेरियो हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हुआ ये था कि कारगिल का सिनेरियो तो पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर चाइना ही आके पहले हेलो हाय करता है, फिर पीछे से छुरा भोंक रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है। चाइना को एटलीस्ट अब मैच्योर होके काम करना चाहिए। ऑलरेडी वो मतलब इतना घेरा हुआ है, यूएस से उसके रिलेशन ख़राब हैं, फिर फिलिपिन कंट्री जो है वो उनसे बना कर रखना नहीं चाहती, इंडिया उसकी नेबरहुड कंट्री उससे बना कर रखने को तैयार नहीं है। मतलब चाइना को इतना तो आइडिया हो जाना चाहिए कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से कट होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। अपना बिहेवियर सही नहीं करेंगे, अपना एटीट्यूड सही नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेंगे, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है। तो कभी वो अपने सैनिक को भेज देते हैं, मतलब अपनी आर्मी को भेज देते हैं, कभी वो अपनी जो है वो कोई ना कोई ऐसी मिसाइल फेंक रहे हैं, मतलब वो उनका मिसाइल मेरे ख्याल से मिसाइल गिरा था टेस्ट करते हुए शायद या फिर बनाते हुए, तो अभी रिसेंटली हुआ था ये। तो समझ से बाहर है कि भाई इन लोगों की कहानियां चल क्या रही हैं। लेकिन जो भी है, अब चाइना को मतलब वक्त आ गया कि इंडिया इस बात पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी होगा। जाहिर सी बात है यार, उनकी कंट्री पे आप कोई हमला करोगे तो वो बख्शेंगे थोड़ी ना तुम्हें, कोई वो तुम्हारे मुंह में निवाले थोड़ी ना डालेंगे। तो अब यह है कि वक्त आ चुका है, इंडिया को भी चाइना के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, वरना ये चाइना तो समझता है कि हम लोग जो भी कर लें इंडिया तो कुछ कर ही नहीं सकता। और चाइना को जब तक कोई सबक नहीं सिखाएगा तब तक इनको सुकून नहीं आने वाला है। और इनको सिर्फ बॉर्डर से ही वापस भेज देना, जैसे ये आते हैं और इंडिया की आर्मी इनको वापस धकेल देती है, तो ये इस तरह से शायद ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन तो लेना पड़ेगा, तभी जाके इनको सबक सीखने को मिलेगा। अदरवाइज ये लोग वैसे ही करते रहेंगे जैसे करते रहे हैं और करते आए हैं। तो आपका क्या कहना है इससे रिलेटेड, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये है हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।